Assalamu alaikum dear students, with you I am Qazi Muhammad Saidullah. I am Phil English Literature on the channel English Learning. Before starting my video, I would like to say please subscribe my channel so that you may receive my immediate videos. Let's go forward. Our today topic is subject verb agreement. Subject verb agreement is very important topic related to grammar. Subject verb agreement एक बहुत ही lengthy topic है, तो इसको मैंने आसान करने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसको मुख्य स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जो पहला हमारा स्टेप है वो है सब्जेक्ट वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, कि सब्जेक्ट अकेला होगा तो वर्ब कौन सा, हम इसको साथ वर्ब किस तरह एडजस्ट करेंगे. नंबर दो है सब्जेक्ट वर्ड वन वर्सेज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो अगर सब्जेक्ट वर्ड वन को किस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट वर्ड टू के मुताबिक किस तरह एडजस्ट करेंगे. वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हम दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में अगर एड आ जाए तो फिर किस तरह एडजस्ट करेंगे. वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को एडजेक्टिव के साथ अगर दी आ जाए तो फिर किस तरह एडजस्ट करेंगे. इसी तरह अगले पॉइंट के अंदर हमें देखना है ऑन नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के साथ हम वर्ब की कौन सी हालत लगाएंगे. फ्रैक्शन पोर्शन परसेंटेज, अगर ये सूरत हाल आ जाए सेंटेंस के अंदर तो हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे. और लास्ट वन पे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच और डैट, अगर ये आ जाए तो हम किस तरह से वर्ब को एडजस्ट करेंगे. तो ये तमाम स्टेप्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको फॉलो करेंगे. लेट्स गो टूवर्ड्स आवर टॉपिक. So what subject verb agreement means? It means at any cost verb must agree with the subject. हर सूरत के अंदर verb को subject के साथ या उसके मुनासिब होना चाहिए. इसके लिए हमारे पास general rule है, we have a general rule for this. If the subject is singular, the verb must be singular. And if the subject is plural, the verb must be plural. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. इसके लिए हमारे पास रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है दिस कार गोज फास्ट. अब इस सेंटेंस के अंदर आप अगर तवज्जा करें देखें तो दिस कार इट इज अ सब्जेक्ट एंड गोज इट इज वर्ब. सब्जेक्ट इज सिंगुलर, कार एक है हमारे पास, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आया हुआ है. तो पहला रूल पूरा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर रहेगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दीज कार्स गो फास्ट. अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लूरल, कार्स ज्यादा है, गो फास्ट तो हमारा वर्ब भी क्या आया हुआ है साथ प्लूरल आया हुआ है. और इधर पर देखते हैं मंकी ईट्स बनाना. मंकी बंदर एक है यहाँ पर, ईट्स तो हमारा वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए मंकीज ईट बनाना, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है और वर्ब हमारे पास क्या है सिंगुलर आ गया है. तो जनरल रूल क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल आएगा. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एडजेक्टिव्स विद आर्टिकल दी वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ये मैंने हेडिंग्स बना दी हैं, जैसे मैंने पहली हेडिंग बनाई है सब्जेक्ट वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मींस सब्जेक्ट का वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ताल्लुक होगा वो हमने पढ़ा. फिर थोड़ा आगे वजाहत हमने देखी है एडजेक्टिव्स विद आर्टिकल दी. बाज अवकात एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल दी आ जाता है, जब आर्टिकल दी आता है तो वो एडजेक्टिव्स प्लूरल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग, रिच अमीर, द रिच उमरा अमीर लोग कह सकते हैं आप इसी को. इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि जब ये सिचुएशन आ जाए तो हम कौन सा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो पहले हम देखते हैं इसका रूल द प्लस एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव के साथ अगर कोई आर्टिकल द आ जाए
तो हम वर्ब हमेशा प्लुरल इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब कौन सा आएगा हमारे पास, प्लुरल होगा यहाँ पर। इसके लिए एग्जांपल देते हैं, द रिच गेट्स रिचर। अब द रिच ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है प्लुरल है, सब्जेक्ट है प्लुरल। क्यों? क्योंकि रिच का मतलब हो गया अमीर, और जब दा लगा साहब तो अमीर लोग हो गए, जब अमीर लोग सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमारे पास इसका वर्ब जो होगा वो भी हमारे पास प्लुरल हो जाएगा। अब इसका वर्ब कौन सा आएगा हमारे पास गेट, द रिच गेट रिचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पुअर, सेम इज द केस दैट वी स्टडी इन द रिच। पुअर का मतलब होगा गरीब, द पुअर गरीब लोग, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जमा में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा आर्टिकल द के साथ पुअर, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लुरल। तो इसके साथ हमारे पास वर्ब कौन सा आएगा, इज आएगा आर आएगा, तो वर्ब भी हमारे पास क्या आएगा प्लुरल आएगा आर आएगा। द पुअर आर गेटिंग पुअर, मजीद गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द फ्रेंच लव्स ईटिंग इन रेस्टोरेंट। अब हमारे पास आ गया द फ्रेंच, फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रांसीसी, कोई एक शख्स हो गया, जब द फ्रेंच आएगी वो पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा होगा, द फ्रेंच मींस फ्रेंच के लोग। अब लव या लव्स, यहां पर हमारे पास वर्ब क्या आएगा फिर प्लुरल आएगा लव आएगा, यहां पर ये लव, द फ्रेंच लव ईटिंग इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर फ्रेंच खाना पीना पसंद करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ड वन वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इट इज पॉसिबल, हमारे पास एक रूल है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, अगर इनके दरमियान में इन अल्फाज में से कोई वर्ड आ जाए तो हम वर्ब को सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक लगाएंगे। अब ये अल्फाज कौन से, वर्ड्स विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और नॉट बट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इन एडिशन टू। अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के दरमियान में ये अल्फाज आ जाए तो हम वर्ब को सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके लिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है एज आई एज वेल एज यू आर एम गिल्टी। अब इस सेंटेंस के अंदर आप गौर से देखें तो दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक सब्जेक्ट हमारे पास है आई, एक सब्जेक्ट है आई, दूसरा सब्जेक्ट है यू। ये सब्जेक्ट वर्ड वन है, ये सब्जेक्ट वर्ड टू है। अब इन सब्जेक्ट वर्ड वन और सब्जेक्ट वर्ड टू के दरमियान में एज वेल एज आया हुआ है, एज वेल एज हमने पढ़ा था कि अगर इन अल्फाज में से कोई लफ्ज आ जाए, अब ये देखिए एज वेल एज आया हुआ है। अब एज वेल एज आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब अगर हो उनमें से उनको हम क्या करेंगे सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक लगाएंगे। अब ये है आज एम, किसके मुताबिक लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ड वन, सब्जेक्ट वर्ड वन कौन है हमारे पास आई है, तो आई के मुताबिक क्या लगेगा एम लगेगा यहाँ पर। ये फिक्र बनेगा आई एज वेल एज यू आर यू एम गिल्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ऑल एक्सेप्ट अली वाज वर प्रेजेंट। अब इस सेंटेंस के अंदर भी दो सब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास सब्जेक्ट वन एस वन और ये हो गया हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट अली एस टू। इन दोनों के दरमियान में एक्सेप्ट आया हुआ है। अब एक्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक लगाएंगे। अब हमारे पास वर्ब है वाज और वर, किसके मुताबिक लगाएंगे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन है हमारे पास आल, प्लुरल है ये, तो क्या लगेगा यहाँ पर वर आ जाएगा। फिक्रा बनेगा हमारे पास आल एक्सेप्ट अली वर्ब प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ड टू वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने बताया था एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर तो हम सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक लगाएंगे। अगर ये अल्फाज दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में आ जाए तो हम वर्ब को एस वन के मुताबिक लगाएंगे। अब ये सिचुएशन है हमारे पास, इसका रूल है कि हम जब दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में नॉर बट आल्सो और आर, ये तीन वर्ड्स हैं, अगर ये तीन वर्ड्स आ जाए तो हम फिर वर्ब को सब्जेक्ट टू के मुताबिक लगाते हैं।
वर्ब का सब्जेक्ट टू के मुताबिक लगाते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स देखिए हमारे पास है नॉट ओनली ही बट आल्सो आई इज या एम गुड प्लेयर। अब नोट करें ही सब्जेक्ट वर्ड वन हो गया, ये आई सब्जेक्ट वर्ड टू हो गया, दरमियान में आया हुआ बट आल्सो, ये वाला बट आल्सो। अब हम क्या करेंगे वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को किसके मुताबिक लगाएंगे, एस टू के मुताबिक लगाएंगे। और ये हमारे पास वर्ब के हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास आई के मुताबिक क्या आएगा एम आएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा एम लगेगा। फिक्रा बन जाएगा नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम गुड प्लेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर दे और शी हैज हैड टैलेंट। अब इसके अंदर भी दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक है दे एस वन और एक है शी सब्जेक्ट टू, इनके दरमियान में आर, ये आर आया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को एस टू के मुताबिक करेंगे, शी हैज टैलेंट यहाँ पर आएगा हमारे पास। फिक्रा बनेगा आइदर दे और शी हैज टैलेंट। नंबर तीन पे है नाइदर माई सोल्जर्स नॉर आई एम आर गोइंग टू रूल द विलेज जस्ट फॉर फ्री साल्ट। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो सब्जेक्ट है सोल्जर आए दरमियान में है नॉर, अब ये है सब्जेक्ट वन ये है हमारे पास सब्जेक्ट टू, तो दो के मुताबिक जब हम लगाएंगे वर्ब को तो कौन सा आएगा आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, आई एम आर गोइंग टू रून द विलेज फॉर द फ्री साल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है टू सब्जेक्ट वर्ड्स जॉइंड बाय एंड वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। टू सब्जेक्ट वर्ड्स इफ इन अ सेंटेंस देयर आर टू सब्जेक्ट्स and they are joined by and, if there are two subjects in a sentence and they are joined by and they convey different meanings or idea or thought, then verb would be plural. आसान कर देता हूँ, अगर किसी sentence के अंदर दो singular subjects हों, singular subject one, singular subject two, दो subject हों और सिंगुलर हो और एंड से जुड़े हुए हों और वो कोई डिफरेंट मीनिंग दे रहे हों, मीन्स उनको समझने के बाद हमारे पास डिफरेंट थॉट्स आ रहे हों, तो वो हम वर्ब क्या करेंगे प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखते हैं हमारे पास फायर एंड वाटर डू नॉट या डज नॉट एग्री। अब ये देखिए फायर एक सब्जेक्ट हमारे पास है फायर, ये फायर सब्जेक्ट वन, वाटर सब्जेक्ट टू। अब फायर आग एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, दरमियान में एंड से जुड़े हुए हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे डू नॉट, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर इज या आर प्रीशियस मेटल। अब गोल्ड को देखें ये सब्जेक्ट हमारे पास है, इधर से ये है दो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, सिल्वर एक अलग मेटल है गोल्ड एक अलग मेटल है, दोनों डिफरेंट मीनिंग्स दे रहे हैं और एंड के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये सिचुएशन आएगी तो हमारे पास वर्ब क्या आएगा रहेगा, तो यहां पर क्या गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं द एंजल एंड आई। अब यहां पर एक सब्जेक्ट हमारे पास एंजल सब्जेक्ट वन, दूसरा सब्जेक्ट हो गया आई सब्जेक्ट टू, दो डिफरेंट चीजें हैं, एंजल एक अलग प्रॉपर्टी रखने वाली एक हम कह सकते हैं, आई एक अलग चीज, दोनों एक टू डिफरेंट पर्सन है आप कहते हैं आई और एंजल, दरमियान में एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर भी हमारे पास वर्ब क्या आएगा प्लूरल आएगा वर्ब फ्लाइंग टुगेदर। इसी तरह इसके अंदर एक छोटी सी बारीकी और है, वो ये है कि अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर सब्जेक्ट वन सिंगुलर सब्जेक्ट टू आपस में एंड से जुड़े हों और वो सेम आइडिया ट्रांसफर कर रहे हों कन्वे कर रहे हों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हों तो हमारा वर्ब क्या आएगा सिंगुलर आएगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम हॉर्स एंड कैरेज। अब इसको हम कहते हैं घोड़ा तांगा, तांगा घोड़ा जिस तरह कहते हैं हॉर्स एंड कैरेज, दोनों एक ही चीज में तकसीम हो जाते हैं, एक ही चीज का हमें मीनिंग दे रहे होते हैं घोड़ा तांगा।
दुनिया में एंड से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये अगर देखा जाए तो अलग अलग, ये सब्जेक्ट वन, ये दो चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम आइडिया हमें ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर रहेगा, इज कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एक अलग चीज है, टाइड लहर ये एक अलग चीज है, तो ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पर क्या है, सेम आइडिया ट्रांसफर कर रहे हैं, मुद्दत एंड के साथ मिले हुए हैं, तो ये सेम आइडिया होने की वजह से हम यहां पर क्या लगाएंगे, वेट्स फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। इसके बाद हमारे पास है आवर फ्रेंच मास्टर एंड फ्रेंड वाज एवर किल्ड लास्ट नाइट। अब ये सेंटेंस जरा गौर से देखिएगा, फ्रेंच मास्टर एक चीज हो गई एंड फ्रेंड दूसरी चीज हो गई, अब मरने वाला कौन है, फ्रेंच मास्टर है, अब वही क्या है, हमारा दोस्त है, मीन्स एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, यहां पर भी हमारे पास सेम थॉट और आइडिया आ रहा है, तो यहां पर भी हमारा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, मीन्स आवर फ्रेंच मास्टर एंड फ्रेंड वॉज किल्ड लास्ट नाइट, पिछले रात मारा गया। ये हमारे पास हो गया वो कंडीशन जब सिंगुलर सब्जेक्ट वन, सिंगुलर सब्जेक्ट टू एंड से जुड़ी हो और सेम आइडिया दे रहे हो, तो हम क्या करें, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट वन, सिंगुलर सब्जेक्ट टू एंड के साथ जुड़े हो और डिफरेंट मीनिंग और आइडिया कन्वे कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैक्शन, पोर्शन, परसेंटेज वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वाज़ का सेंटेंस के शुरू में फ्रैक्शन आ जाती है, पोर्शन आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है, और फिर हमारी डिफिकल्टी हो जाती है कि हम वर्ब को किसके मुताबिक लगाएं, तो उस परसेंटेज के साथ किस तरह से हम डील करें उसको। तो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई पॉइंट के अंदर, 2.3, 3.4 इस तरह से परसेंट पॉइंट के अंदर आ जाती है, पोर्शन कोई पार्ट आ गया, परसेंटेज परसेंटेज का पॉइंट आ जाता है कि किस तरीके से लगे। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है ऑफ्रेज, ऑफ्रेज जहाँ पर आप इस्तेमाल किया जाता है ऑफ्रेज, वर्ब एग्रीज विद द वर्ब रिटन आफ्टर द प्रीपोजिशन ऑफ। तो जो हम वर्ब लगाएंगे वो ऑफ्रेज, ऑफ्रेज के बाद जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक हम वर्ब को लगाएंगे। अब ऑफ्रेज हमारे पास अलॉट ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, रेस्ट ऑफ, टू थर्ड ऑफ, परसेंटेज ऑफ, इस तरह से फिक्र शुरू होते हैं, अलॉट ऑफ फलाम, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, इस तरह से, तो टू थर्ड ऑफ, परसेंटेज ऑफ, तो इनके साथ जब इस तरह के फिक्रे आए तो हम वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा, मीन्स यहाँ पर ये ऑफ है, तो इस ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा हम उसके मुताबिक क्या करेंगे, अपने वर्ब को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं, 3/4 ऑफ एन एकर इज ऑल माइन, 3/4। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आ गई, ये ऑफ फ्रेज हो गई, ये हमारे पास यहाँ तक ऑफ फ्रेज है ऑफ। अब ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ऑफ एन एकर, अब एकड़ हमारे पास सिंगुलर आ जाता है, इज माइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इज आ जाएगा। अगले फिगर में 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज आर पुअर, अब आपके पास क्या आया हुआ है, पॉपुलेशन आया हुआ है, तो पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आ जाएगा, 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एग्जांपल है, 50% ऑफ द बुक्स आर या इज ओल्ड, अब 50% आपके पास क्या आया हुआ है, बुक्स आया हुआ है, तो बुक्स क्या है हमारे पास, प्लुरल है, तो हमारे पास वर्ब क्या आएगा, प्लुरल आ जाएगा, 50% ऑफ द बुक्स आर ओल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वर्सेस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, स्पेशल वर्ड्स है ये हमारे पास, मखसूस वर्ड्स है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, आ नंबर के साथ हम लगाते हैं प्लुरल वर्ब, द नंबर ऑफ फिक्र के शुरू में आ जाए तो हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल हमारे पास है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास, अ नंबर ऑफ आ गया तो इसकी वजह से हम क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब लगाएंगे, तो आर प्रेजेंट इन द क्लास से ठीक हो जाएगा। इसी तरह से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
दान बराबर स्टूडेंट्स आ गया है तो हमने क्या करना है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इज सिंगुलर वर्ड वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे। इस फिगर के अंदर आ ये जो वर्ड है ये हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल है। ये क्या है हमारे पास? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास ये काउंटलेस हो जाता है। जब काउंटलेस होता है तो हम आ लगा देते हैं, जबकि द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल क्या कर देता है, इसको लिमिटाइज कर देता है। तो इसकी लिमिटेशन की वजह से ये क्या हो जाता है हमारे पास, सिंगुलर वर्ब आ जाता है। मीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये लिमिटेड हो जाएंगे, महसूस हो जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर लगा देते हैं। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन आ नंबर ऑफ के साथ हम लगाएंगे प्लूरल, और द नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउंस who, which, that versus verb or helping verb। who, which और that का इस्तेमाल verb और helping verb के साथ कैसे होगा? हमारे पास who, which और that ऐसे लफ्ज़ होते हैं, इनसे पहले word singular भी आ सकता है, plural भी आ सकता है। तो फिर हम verb को किस तरह से adjust करेंगे? अगर singular verb या plural verb कोई भी हो, बिफोर हु विच एंड दैट, तो हम क्या करेंगे, वर्ब को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे। मीन्स अगर वर्ड सिंगुलर इस्तेमाल हुआ होगा तो हम वो वर्ड सिंगुलर इस्तेमाल हुआ होगा तो हम वर्ब को सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अगर हु विच और दैट से पहले वर्ड प्लूरल इस्तेमाल हुआ होगा तो हम वर्ब को भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है हैमलेट वॉज वन ऑफ द बुक्स Which was या वर my favorite। अब यहाँ से देखिए Hamlet was one of the books। यहाँ पर ये लफ्ज है books, plural है। आगे आ गया विच, relative pronoun, ये हमारे पास विच आ गया है। अब विच से पहले हमारे पास plural noun है तो हमारे पास verb या helping verb क्या लगेगा, plural लगेगा। means क्या लगेगा, verb लगेगा। यहाँ पर फिगर बनेगा Hamlet was one of the books Which were my favorite, जो कि मेरी पसंदीदा थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं He was one of the boys, वो लड़कों में से वो था who was या were intelligent, जो ज़हीन था। अब यहाँ पर हमने was या were आ गया है, दरमियान में relative pronoun है तो हम was लगाएंगे या were लगाएंगे। तो हमने relative pronoun से पहले देख रहे हैं कि word singular है या plural है। जिस तरह से हमने इससे पहले देखा था विच से पहले कि सिंगुलर है या प्लूरल, बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल आया। इधर देखें हु से पहले वर्ड हमारे पास बॉयज, ये भी प्लूरल है तो वर्ड कौन सा हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होगा, वो भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, वर आएगा। ही वाज वन ऑफ द बॉयज हु वर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट फिगर देखते हैं द एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज एक्शंस वाज या वर अनजस्टिफाइबल। अब एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज एक्शंस, यहां पर वर्ड आता है दैट। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास दैट, दैट से पहले जो लव्ज है एक्शंस, ये क्या हमारे पास प्लूरल है, तो यहां पर भी क्या आएगा हमारे पास प्लूरल वर्ड आएगा। यानी कि आपने ये देखना है कि हु विच और दैट से पहले वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वर्ड सिंगुलर हो तो आगे आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर वर्ड प्लूरल हो तो आगे आपने क्या करना है, प्लूरल वर्ड को वर्ब को इस्तेमाल करना है। ये तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मैं आपको बताता चलूँ, हु विच और दैट इन रिलेटिव प्रोनाउंस का कुछ मखसूस इस्तेमाल भी है। हु का इस्तेमाल हम करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा जानदारों के लिए करते हैं, जैसे कि मैन हो गया या ह्यूज एनिमल्स, भारी भलकम बड़े हुजूम वाले जो जानदार है हमारे पास उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया, लायन हो गया, डायनासोर हो गया, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन है विच, विच का इस्तेमाल हम करते हैं नॉन लिविंग्स के लिए, गैर जानदार और स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानदार होते हैं, मिसाल के तौर पर रैट हो गया, आंट है, बर्ड है, एटीसीजी, इनके इस्तेमाल हो गए। जो कि दैट प्रोनाउन है जो हमारे पास, ये कॉमन होता है, ये हु की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है और विच की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।